मुक्तेश्वर भालूगत वाटरफॉल और हॉस्टलर के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का दोस्त अनुज और मेरे इस चैनल का नाम है अनुज सोलंकी ट्रैवल लवर। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने अपने मुक्तेश्वर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए बनाया था और मैंने अपलोड भी किया है यहाँ पर। और इस जगह पर मैं अपनी फैमिली के साथ गया था और मैंने अभी एक दो प्लेसेस विजिट की थी। तो ये मेरा पार्ट वन कहलाएगा। और आप पीछे देख सकते हैं, मैंने हॉस्टलर कॉटेज में स्टे किया था जो काफ़ी स्पेशियस भी था और ये एक तरह का वुडन कॉटेज था जहाँ जो काफ़ी बेहतरीन भी है और काफ़ी बजट होटल भी है। यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 1700 पे करने पड़े थे पर नाइट के लिए, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। और यहाँ पर और भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ हॉस्टलर होटल और भालूगत वाटरफॉल के बारे में ही बताया है। और मैं आगे के वीडियोस में बाकी जगह के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो अदर प्लेसेस हैं, उनका नाम है शीतला, चौली की जाली, मुक्तेश्वर धाम टेम्पल, भालूगत वाटरफॉल एंड धानाचूली। तो ये सभी जगह आप 2 से 3 दिन में बहुत ही ईजिली घूम सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये आप जो पीछे वीडियो में देख रहे हैं, ये पीछे मेरा किड है और ये हॉस्टलर में जहाँ मैंने स्टे किया था उसके आउटसाइड की बालकनी है और उसका व्यू है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे यहाँ रुक के, इसलिए मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ पर रुक सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ पर स्टे कर सकते हैं और किस तरह से हम मुक्तेश्वर पहुँच सकते हैं। तो मुक्तेश्वर उत्तराखंड में एक विलेज है जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है और जिसकी ऊंचाई जो है सी लेवल से ऑलमोस्ट 2285 मीटर की है और जो कि 51 किलोमीटर की दूरी से है नैनीताल से और 72 किलोमीटर हल्द्वानी से दूरी पर है और दिल्ली से ऑलमोस्ट 347 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप दिल्ली से ट्रैवल करते हैं तो आप 8-9 आवर्स में मुक्तेश्वर इजीली पहुंच सकते हैं और 2 से 3 दिन में आप इस ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पीछे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ वीडियोस वैलीज़ के भी कैप्चर किए हैं जहाँ पर मुझे कुछ एनिमल्स मिले थे जैसे कैट एंड बफेलो। तो ये एनिमल्स एंजॉय कर रहे थे और मैं भी साथ में एंजॉय कर रहा था। और ये मुझे पीछे जो आप देख सकते हैं स्टेयर केस सीढ़ीनुमा खेत हैं और पीछे व्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे जो कि आपको मुक्तेश्वर से दिखते हैं। जब आप मुक्तेश्वर से भालूगत वाटरफॉल के लिए जाएंगे रोड पर तो आपको ऑन दी वे ही मिल जाएंगे ये सारे। तो आप इजीली रुक सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और वादियों का नज़ारा उठा सकते हैं। और पीछे आप देख पा रहे होंगे स्नो कवर्ड माउंटेन है जो कि मुक्तेश्वर से आपको दिख रहे हैं। ये बिल्कुल ऑन दी वे ही मिल जाएगा आपको सब कुछ। ये व्यू काफ़ी अच्छा था यहाँ पर एंड मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और मुझे लगता है कि जो नेचर है वो एक सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो कि हमें गॉड ने प्रोवाइड किया है। तो नेचर एक फ्री है जो हम सभी इजीली एंजॉय कर सकते हैं। और बेसिकली मुक्तेश्वर जो बेसिकली मेनली पॉपुलर है तो वहाँ पे आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जैसे रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। और ये पीछे आप देख पा रहे होंगे ट्रैक है जहाँ पर मेरी वाइफ एंड मेरा सन ईजिली जा रहे हैं। तो ट्रैक बहुत ईजी है, ये ओनली 1.2 किलोमीटर है जहाँ पे आप जंगल से होते हुए जाएंगे और यहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। ट्रैक इज़ इजी एंड मॉडरेट, आप इजीली 20-30 मिनट में पहुँच जाएंगे भालूगत वाटरफॉल तक। उसके बाद आपको एक बहुत सुंदर फॉल मिलेगा जो पॉन्ड की शेप में है, वहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, एक तरह से नेचुरल वाटर पार्क है। लेकिन आपको ज़्यादा आगे नहीं जाना है उसमें क्योंकि उसकी जो गहराई है वो ऑलमोस्ट 70-80 फिट की है, मगर स्टार्टिंग में इतना गहरा नहीं है, आपको दिखेगा अभी इस वीडियो में तो आप देख पाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा आगे जाएंगे तो आपको जो लाइफ जैकेट होती है वो पहन के ही जाना चाहिए, अदरवाइज साइड से आप इजीली बात कर सकते हैं और पानी का आनंद भी उठा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में कुछ टूरिस्ट और भी आए हुए हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भालूगत वाटरफॉल आप पहुँचते हैं जब आप 1.2 किलोमीटर का ट्रैक कम्प्लीट कर लेते हैं। और मुक्तेश्वर एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, जैसे कि हम जानते हैं नैनीताल, मसूरी ये ज़्यादा पॉपुलर हैं हमारे इंडिया में, जैसे हिमाचल में शिमला और मनाली ज़्यादा पॉपुलर हैं, बट मुक्तेश्वर भी बहुत सुंदर विलेज है और यहाँ हम सभी को एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और रोड्स भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे, आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो मुझे मिले थे। थोड़ा सा स्काई थे यहाँ पे, थोड़ा रेन थी, बट वेदर इज़ गुड, दैट इज़ ऑसम। और ये यहाँ पर मैं हॉस्टल होटल में रुका था रात को, हमने स्नैक्स लिए थे, टी, कॉफ़ी एंड सम स्नैक्स, और साथ में बोन फायर भी था। और आप पीछे देख सकते हैं सनसेट इन मुक्तेश्वर फ्रॉम हॉस्टलर, काफ़ी अच्छा नज़ारा था पीछे यहाँ पर। और उसके बाद हम कुछ देर घूमे थे मुक्तेश्वर में अंदर, वो भी काफ़ी सुंदर था।
और जो मुक्तेश्वर है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक लॉर्ड शिवा का मुक्तेश्वर धाम टेम्पल है जो कि 350 ईयर्स ओल्ड है, जिसके नाम पर मुक्तेश्वर का नाम रखा गया है। और यहाँ पर डेमन को मुक्ति दी थी लॉर्ड शिवा ने, इसलिए इसको हम मुक्तेश्वर कहते हैं। जैसे कि मुक्ति प्लस ईश्वर को अगर हम कंबाइन करें तो वो बनेगा मुक्तेश्वर। और मैंने कुछ फोटोज भी डाले हैं इसमें ट्रैक के, जो आप पीछे देख पा रहे हैं, इसके पीछे ये तो साइड व्यू है। हाँ, ये अगेन ट्रैक के फोटो है और भालूगत वाटरफॉल के फोटो हैं। तो दोस्तों, मैं और भी जगहों के बारे में बताऊंगा आपको और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड डे टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, सब अपना ख्याल रखें। और ये भी ट्रैक के ही फोटोज हैं जो पीछे हैं आपके। ये हॉस्टलर का बोनफायर जो हमने एंजॉय किया था नाइट में। ओके, फिर मिलेंगे, और मुझे यहाँ काफ़ी मज़ा भी आया था।